आज के सीन में क्या चल रहा है? सीन में ये कि अब नई शादी की बात चल रही है, मैं पशुपेश में हूँ, बेटी पशुपेश में है, क्योंकि हार्ट अटैक आ चुका तो मैं ज़रा डर गया हूँ अपने भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर। तो जल्द से जल्द उनकी लाइफ को सिक्योर करना चाहता हूँ, जो मुझे कल परसों का भरोसा नहीं है, रहूँ ना रहूँ, तो उस पशुपेश में हूँ। जल्दी से जल्दी एक लड़का ढूँढना चाहता हूँ जिससे अनुष्का की शादी हो जाए और वो भी अपने उस पशुपेश से निकल पाए। अनुष्का ने जिस लड़के का फोटो देखा था, आप उससे सहमत हो? मैं तो ऐसा लग रहा है कि सहमत होता नज़र आ रहा हूँ। आगे का स्क्रीन प्ले मालूम नहीं है, कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तक जितने सीन कर रहे हैं, जितना आभास हो रहा है कि शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। तो सर, अगर बात करें लड़के की, तो लड़के का रिश्ता किसने लाया? लड़के का रिश्ता तो जैसा आप एपिसोड में भी देख चुके हैं, रोहन लेकर आया, टेक्निकली रोहन लेकर आया, लेकिन कोइंसिडेंटली व्हेन आई फेल डाउन ऑन द रोड, ही हैपेंड टू मीट मी, ही हेल्प मी, ही टुक मी टू द हॉस्पिटल, सो दैट इज हाउ आई न्यू हिम। तो जब फोटो दिखाया रोहन ने, तो इट वाज वेरी गुड कोइंसिडेंस कि मैंने कह रहा ये तो वही लड़का जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था, और उसे अनुष्का ने डांट भी पिला दी थी। सर, अगर बात करिए स्टोरी की, तो ये स्टोरी एक चार लड़की के ऊपर है और चार दिल और एक धड़कन कहा जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, चार दिल और एक धड़कन चारों बहनें एकदम बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हैं, इंट्रीग्स होते हैं बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जाती है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, बट उनकी अपब्रिंगिंग, उनके संस्कार इतने स्ट्रांग है जो हमने दिया है कि वो आपस में इतनी आसानी से लड़ने मरने वाले नहीं हैं। दे कैन सेंस इट, दे कैन फाइट इट आउट, और आई एम प्राउड ऑफ इट कि दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ईच एंड एवरी सिचुएशन। सर, ये स्टोरी की अगर बात करते हैं, स्टोरी में जो चार लड़की हैं, शास्त्री सिस्टर, चार दिल की धड़कन, इनका लाइफ की शुरुआत कानपुर से दिल्ली बताया गया है, सर इसके पीछे क्या रीज़न है? बड़ी सीधी सिंपल सी स्टोरी है जो आम जिंदगी में छोटे शहरों में सभी इस स्थिति को जानते हैं कि ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, सरकारी जॉब्स में होते हैं लोग, सरकारी जॉब पाना एक बिग अचीवमेंट इन स्मॉल टाउन। बड़े शहरों में मेट्रोज में इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में काम करने के, लेकिन छोटे शहर में बहुत बड़ी बात होती है कि आप सिक्योर्ड जॉब में हैं। तो सरकारी जॉब में हैं तो ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, सो दे आर यूज टू, दे आर रेडी फॉर इट। ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन भी आती है, वो भी एक खुशी का मौका मिलता है लोगों को, परिवार को, इसलिए एक कॉम्पेंसेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो परिवार शिफ्ट करती है कहीं और जाती है। थोड़ी दिक्कतें तो होती है, बार बार स्कूल चेंज होना, पूरा माहौल चेंज होना, आस पड़ोस चेंज होना, लेकिन जाना है, ट्रांसफ़र लेना है। तो हालांकि जैसा कि पहले आपने कहानी में देखा था सीरियल की शुरुआत में, कि मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, कई बार ट्रांसफ़र रुकवाया भी अपना, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू बी सिक्योर्ड, बिकॉज मदर इज़ नॉट अलाइव। और चूंकि वहाँ कानपुर में हमारे जान पहचान रिलेटिव्स हैं जो बच्चों की देखभाल करती थी, बुआ भी थी उनकी हमारी बहन, जो मेरे एब्सेंस में उनकी थोड़ी देखभाल कर लेती थी, दे वाज समबडी टू लुक अपॉन फॉर, तो वो डर था मेरे मन में, लेकिन बच्चों के लिए इनके इंसिस्टेंस पे दिल्ली ट्रांसफ़र लेना पड़ा मुझे। मैं आया हूँ और ये सोच के कि चलो बच्चों का भविष्य थोड़ा सुधरेगा, और कब तक एक जगह बंधे रहेंगे, सो डरते डरते आया हूँ, कि बड़े शहरों का डर भी है मेरे मन में कि वहाँ बच्चे बिगड़ ना जाएँ, इनसिक्योरिटीज़ हैं वहाँ की, कोई जान पहचान नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं है, लड़कियाँ हैं, जवान हो रही हैं, इनकी शादी ब्याह भी करना है, दुनिया की बुरी नज़रों से बचाना भी है, मैं अकेला हूँ, तो इन सारी संभावनाओं, डर, आशंका के साथ शिफ्ट हुए दिल्ली, और कोप अप कर रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों से, वो जिन चीज़ों का डर था वो सच सामने आ रही हैं, धीरे धीरे सच साबित हो रही हैं। सर, अगर बात करें तो चार दिल एक धड़कन जो है, चार दिल में से एक दिल तो आप शादी होकर विदा हो जाएगी ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जा रहा है, तो सर उसके बारे में धड़कन कहीं उतनी रफ्तार से चलेगी या कहीं धीमी गति से भी चलेगी? नहीं, धड़कन तो एक की शादी हो गई है, लेकिन दिल उसका ज़रूर यहीं बसता है घर में ही, भले शादी हो गई, हालांकि ऐसा कहते हैं कि शादी हो गई तो फिर अपना घर वहाँ हो जाता है, लेकिन इतना सबको पता है भारतीय परिवेश में बेटियां अपने माँ बाप को भुला नहीं पाती इतनी आसानी से, लड़के भले ही भूल जाएं, वो जाके देश विदेश रहने लगते हैं, बहुत बहुत दिनों बाद फ़ोन करते हैं या नहीं भी मिलते हैं, बेटियों का दिल हमेशा जुड़ा रहता है माँ बाप से, दे आर वेरी कंसर्न, दे वेरी बॉन्डेड, सो हमारी बेटियां भी वैसी हैं, एंड आई लव टू बी लाइक दैट,
आई वॉन्टेड देम टू बी दो. एक कहने की बातें होती कि बेटा चले जाओ, तो वो पराया घर है, अब ये इस घर की चिंता मत करो, लेकिन ऐसा होता नहीं. अंदर से हमारी इच्छा होती है कि हमसे जुड़ी रहें, तो वो जुड़ी हुई हैं सभी. एक अलका की शादी हो गई है, लेकिन उसका जुड़ाव है, कंसर्न है, सारे सुख दुख में शामिल होती है. वो बहनों के आपस के प्रॉब्लम्स में वो रिजॉल्व करती है. बींग एन एल्डरली सिस्टर, शी इज द एल्डेस्ट वन, सो शी लुक्स आफ्टर, शी डज हर पार्ट. और अभी भी काम में तो जुटा ही दिया मैंने कि बेटा मेरे बाद तुम ही लोग बड़े हो घर के, तो अनुष्का के लिए एक रिश्ता ढूंढने में हमारी मदद करो, हमारे बाद तुम ही लोग देखभाल करोगे. तो वो कर रही हैं बेचारी. सबसे छोटी वाली है, वो बहुत ही छोटी है, बाहर की दुनिया से एकदम प्रोटेक्ट करके रखा हमने, बचा के रखा, बहुत ही मासूम है और एक्सपोज नहीं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, जो एक डर भी है मन में, लेकिन होने भी नहीं देना चाहते हैं कि बाहर के भी हमें 50 तरह के शंकाएँ हैं. देवयानी है, देवयानी आई एम अ बिट प्राउड ऑफ. थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं कब किससे उलझ के आ जाए, किसको तोड़ फोड़ करके आ जाए, लेकिन ठीक भी है, आज के ज़माने में ऐसा भी होना चाहिए. अनुष्का है, बहुत समझदार है, अगेन आई एम प्राउड ऑफ हर. सबसे ज़्यादा मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, उसमें माँ वाले गुण हैं, मेरे वाले भी गुण हैं, तो मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ अनुष्का पे. सर, ज़्यादा पसंदीदा दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हमारा आग्रह है कि ये सीरियल चूँकि आम जिंदगी से बहुत ही जुड़ा हुआ है, बहुत ही रियलिस्टिक बैकड्रॉप है, बहुत ही रियल नेचुरल परफॉर्मेंस की कोशिश करते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, अपने आप से रिलेट कर सकें. ओवर द टॉप नहीं करते हैं, हमारी ये कोशिश है, डिलिबरेट एफर्ट है हम सभी की, पूरी टीम की, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू राइटर टू डायरेक्टर टू एक्टर्स, वी ऑल आर कम्बाइंड इन वन सिंगल थाट कि इट हैज़ अ वेरी नेचुरल वेरी रियलिस्टिक फीलिंग विच वी हैव टू कीप इट मेंटेन, एंड दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और आपसे आग्रह कि आप इसको ज़रूर देखें, चूँकि आपकी अपनी कहानी है, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत मेलोड्रामेटिक करने की कोशिश ही नहीं करते हैं. ये करते हैं कि जितना नेचुरल लगे, ताकि आपको अपनत्व का एहसास हो कि ये हमारी बीच की कहानी है. सभी घर में बेटियाँ, सभी घर में माँ बाप हैं, तो उसे रिलेट कर पाएँ. और ऐसी चीज़ ना दिखाएँ जिससे परिवार को देखने में परेशानी हो एक साथ बैठ कर. और कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, संकट होती है, जो आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो इस सीरियल के माध्यम से एक दूसरे को लुक देख के वो कम्युनिकेट कर दें कि देख के पापा आप मेरे साथ ऐसा करते हैं, देखो देवयानी तथाकथित बहनों को कि देखो हमें ऐसे रहना चाहिए, एक लुक से वो कम्युनिकेट हो जाए सीरियल के मार्फत, तो हम जब जरिया बनना चाहते हैं उसके. थैंक यू सर. माय प्लेजर.